नमस्कार दर्शकों, मैं दबिराधा खान के साथ और आप देख रहे हैं शिलोंग टुडे इस हफ्ते के हिंदी समाचार। आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों। शिलोंग से भाजपा उम्मीदवार संभव सुलाई का कहना है कि वे कैप मुद्दे पर आत्महत्या नहीं करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री ने मोदी को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। एम्बोस उस वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई चाहता है जो नकली SSLC परिणाम घोषित किया। NPP के लिए दोहरी जीत, आगथा ने तूरा लोकसभा सीट बरकरार रखी, प्रेलिन ने सिलसिला उपचुनाव जीता। खबरें विस्तार से। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एम्बोस ने माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र SSLC परीक्षा 2019 के फर्जी परिणाम घोषित करने के लिए एक वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वेबसाइट files.nvshg.org ने बोर्ड द्वारा घोषित अंतिम वर्ष के परिणाम को कॉपी करके SSLC परीक्षा 2019 का पर्ची परिणाम जारी किया है। उच्च फर्जी परिणाम की घोषणा से बोर्ड के अधिकारी सहित छात्र, अभिभावकों, शिक्षकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बोर्ड के परिणाम की कोई रिसाव नहीं था। एम्बोस के सहयोग निदेशक एम मारबनियंग ने कहा, हम तुरंत वेबसाइट बनाने और फर्जी परिणाम घोषित करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले अफवाह फैलाए गए थे कि दो परीक्षाओं के नतीजे 21 मई को घोषित किए जाएंगे, जबकि फर्जी परिणाम घोषित करने वाले वेबसाइट ने घोषणा की थी कि परिणाम 25 मई को घोषित किया जाएंगे। इस दौरान मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एम्बोस ने बताया कि माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र SSLC और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र आज परीक्षा 2019 के आधिकारिक घोषणा 27 मई को होंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने शहर के उसोसुथम सभागार में दूसरे BNC NCC के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवा कैडर्स को सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासित जीवन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। युवाओं को राष्ट्र के योग्य नागरिक बनाने के लिए उनकी अपार योगदान के लिए NCC पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मेघालय में NCC के परिसर के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेघालय में युवाओं की अपार संभावना के बारे में बात करते हुए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर PM बाली ने गारो हिल्स क्षेत्र और जैंटिया हिल्स के लिए एक को पूरे करने के लिए तूरा में NCC बटालियन जुटाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान उत्कृष्ट कैडरों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार भी दी।
just NCC, but different organizations that work towards shaping the lives and character of our young generation, which is all of you who are sitting here today. When I heard about this camp that was being organized, I told Brigadier Bali that I am of the opinion that this should be done more often. And I feel that our young generation should be exposed to many more of such activities as often as possible. I won't take much time because I know that none of the young boys and girls who are here, I don't think you want to hear the boring lecture. I'm sure all of you are here to listen to the songs and the dances and all the activities that are going on today. But I must take this opportunity to share a few thoughts that I had. And I always keep telling our younger generation whenever I meet them that apart from many things that you will learn in your life, the many different exposures you will get for different qualities, skills, character building, I can tell you from whatever little experience that I have, that to really bring out the best in each and every one of you, I would say discipline is one of the most important things in life. And the more you go across and the more you move ahead in your life, in whatever things you do, be it in your personal life, be it in your friendship, be it in your school, college, be it in work, discipline is something that will change your life, or indiscipline is something that will destroy your life. You know, I keep telling people that I'm hardly ever late to any function. I'm sure many of you have covered different functions that I've gone to, and you can ask people, there hardly be one or two programs which I was late because of some really unforeseen circumstances, but I'm always on time. And the reason I'm on time is because timing is about discipline. Being on time is the beginning of being a disciplined person. And therefore, I don't just simply give a lecture, I walk the talk. मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। संगमा ने कहा, मैं इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इसने नेतृत्व की गुणवत्ता को प्रमाणित किया और भारत के लोगों ने एक बार फिर उनके नेतृत्व में विश्वास को दोहराया है। ये बताते हुए कि ये पूरे देश के लोगों के लिए एक महान संघ है, उन्होंने कहा, उनकी नेतृत्व में राज्य अधिक सीटों के साथ विजय हुआ है जो कि अपेक्षित था। मुख्यमंत्री ने इसे इसलिए भी जोड़ा क्योंकि लोगों को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी क्षेत्रीय दलों और अन्य राजनीतिक सहयोगी पर पूरा भरोसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ गारो हिल्स फॉर रिपोजिंग देयर फेथ ऑन आवर कैंडिडेट एंड ऑन द पार्टी and making us win here once again with a very, very strong margin. So I first of all would like to thank the people of Garo Hills, and at the same time would also like to thank all the other contestants who contested against our candidate for having ensured that this election went off in a proper manner and we were able to conduct this election in a proper manner. So I take this opportunity to thank each and every one on this occasion. I would like to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for a splendid performance in this election. It has certified the leadership quality that he has, and the people of India have once again reposed their faith in his leadership. And under his leadership, the NDA has emerged victorious, and we have got more seats than what was expected and what we got last time. So therefore, I think it's a great moment.
And I think it's a great moment for the country as a whole, because I'm sure that under his leadership, the next 5 years also, the country will move forward. And overall, I think the performance of the NDA throughout the country shows that people have full faith in the leadership of Mr. Narendra Modi and all the regional parties and other political allies of the NDA. And that is why we have seen such a great number. And we can assure the people that we will continue to work in the same spirit like we did in the past also. I think that is a prerogative of the Prime Minister. So therefore, it's really something that we cannot really comment on. We are happy that the NPP has won this seat. We're happy that we have won the by-election seat also in Meghalaya, which was there in Silsila. So I think right now we are looking forward to making sure that the party overall consolidates and becomes strong in the region. And regarding the state, regarding the question of ministership, as I said, it's something that is really the prerogative of the Prime Minister. So it's difficult for me to comment on that. दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ मेघालय ने बुधवार को शिलोंग के यू सोसोथम ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। हमारी जैव विविधता, हमारी भोजन, हमारी स्वास्थ्य, ये कार्यक्रम मेघालय जैव विविधता बोर्ड MBB और मेघालय सरकार के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। वन और पर्यावरण मंत्री सी लाकमेन रुम्बोई ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राज्य की समृद्ध जैव विविधता और इससे संरक्षित करने के महत्व पर विशेष रूप से छात्र समुदाय के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए सी लाकमेन रुम्बोई ने एक स्थायी परिस्थिति तंत्र के लिए जैव विविधता में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, जैसे कि हम एक परिस्थिति तंत्र में है जहाँ हम एक दूसरे पर निर्भर है। हमें अपनी समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवनिर्मित करना होगा। उन्होंने कहा, दुर्लभ प्रजातियों की बढ़ते घटते संख्या पर विलाप करते हुए मंत्री ने कहा कि जीवन और प्रजातियों के मूल्य को महसूस करने, स्थिति की गंभीरता को समझने और पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी समृद्ध जैव विविधता के संस्करण के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। The legal framework, the legislative framework which governs the activities for biodiversity conservation in our country is the Biological Diversity Act 2002, and this act is conceived and implemented through a three-tier mechanism, through three-tier bodies. The rules, Meghalaya Biological Diversity Rules 2010, we were among the first few states in the country to have notified these rules. Then we have some threatened primates also which are home, Meghalaya Gulagiman, etc. Next. Studies on them as well, documented them and prepared study reports. Next. Ethno-wild plant species of Garo Hills, we have studied specially on them. Next. Then, tradable bioresources of Garo Hills, we have done a special study on that too. Next. Meghalaya is blessed with a rich biodiversity and ecosystem which are an integral part of nature. This biodiversity is distinctly diverse, vividly mesmerizing, with amazing flora and fauna, beautiful caves, lush green forests, spectacular waterfalls, and many more natural wonders. Meghalaya has many such places, and one. I look at this presentation having the vibrant wealth that Meghalaya is having. I wonder myself that so much we are having what we don't know. I hope through this program today that the student, you will carry forward what you have said. What is the importance of this wealth of our state? How to conserve it so that our future, the future generation will benefit.
The theme of this year is our biodiversity of food or health. This is a very vast theme, and it signifies the importance of biodiversity for our own existence. So we have to ponder, we have to think that what we can do and how to do to preserve this biodiversity. We are living in an ecosystem where we are interdependent upon each and everything, from the small microorganism to the big animal, plant. We have very important role to play. भाजपा के उम्मीदवार और दक्षिण शिलोंग से विधायक सनबोर सुलाय ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधायक कैप को रोकने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के सांसद विंसन एच पाला के पास है, जो शिलोंग लोकसभा क्षेत्र से तीसरे बार फिर से निर्वाचित हुए। शिलोंग निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उनके विश्वास को दोहरा दिया है, उन्हें अब पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए, सुलाय ने कहा। इससे पहले भाजपा नेता घोषणा की थी कि सीएबी लागू होने पर वे आत्महत्या कर लेगा। ये पूछे जाने पर सुलाय ने हालांकि ये कहते हुए अपना मन बदल दिया, अब मुझे राहत मिली है क्योंकि लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है और मैं अब आत्महत्या नहीं करूंगा। ये कहते हुए कि सीएबी एक मृत मुद्दा है, सुलाय ने कहा कि वे सीएबी का विरोध करना जारी रखेंगे। ये उल्लेख किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों ने सीएबी का घोर विरोध किया है क्योंकि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है। Who is winning now? You declare or not? You will declare? Papala. Then they reinforce faith and confidence of him that they have got a confidence that he will take up the CAB, be it in any form. So I've got relief. I don't have to suicide anymore. Paper also, on the 11th, during the voting day, during the conversation, when you put the question about the implementation of CAB. Yes, it's a dead issue, but still what you have seen in the manifesto of the BJP, again, they said that if the BJP come to power, they will again place the CAB before the Lok Sabha and the Rajya Sabha. I have clearly stated that if the people vote Basan Bor Sulai from the BJP, and if Narendra Modi and the BJP re-implement it, I will suicide. Clearly, I have stated I'll suicide. But now I have got relief. They have not voted for Basan Bor. So I have got relief. So those who had the people that do the people of this constituency, they have reposed faith and confidence on the other candidate. So he will have to take the full responsibility for the CAB. Which means. असम राइफल सबसे पुरानी अर्ध सैनिक बल और भारतीय तटरक्षक बल सबसे कम उम्र की सशस्त्र बल ने 22 मई 2019 को मुख्यालय DGAR लाइटकोर शिलोंग में चार्टर ऑफ एफिलिएशन पर हस्ताक्षर की। दोनों सेना सीमा सुरक्षा बल है, एक तटीय फ्रंटियर्स की सुरक्षा करता है जबकि दूसरे भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। संबंधित असम राइफल की तीसरी नागा हिल्स बटालियन और भारत तटरक्षक जल सूर्य के बीच की गई है। इस पहल से परिचालन लोक चार एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, कॉमरेड के निर्माण और संचालन, परीक्षण, खेल और साहसिक कार्य के लिए एक दूसरे की संपत्ति के उपयोग को समझने में मदद मिलेगी। संबद्धता के चार्टर पर हस्ताक्षर करने से पहले असम राइफल्स वॉर मेमोरियल में एक संयुक्त पुष्पांजलि समारोह और असम राइफल्स के कैप्टन रुचि पादक के नेतृत्व में एक संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप संगवान, एसएम महानिदेशक असम राइफल और महानिदेशक राजेंद्र सिंह, PTTM भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और दोनों बलों की सेनाओं के साथ भाग लिया।
Let me first put on record that the historical affiliation of Indian Coast Guard with Assam Rifles, a service which holds legacy spanning almost two centuries, is a matter of pride for us. I also take this opportunity to extend my gratitude to Director General Assam Rifles for initiating the proposal of affiliation and to compliment the officers and men for conducting such a historical event with utmost precision and military tradition. Assam Rifles is not only the oldest paramilitary force of India, but also has a rich history of valor, courage and traditions. Similarly, the Indian Coast Guard, though relatively young with 143 ships and 62 aircraft, is one among the world's finest and strongest maritime law enforcement agencies. Even though Indian Coast Guard and Assam Rifles operate in a different domains that are water and on land, but our border security challenges are similar. उसी को अपनी मंजिल मिलती है और हमें मंजिल अपनी अवश्य मिलेगी क्योंकि हम दोनों फोर्सेस के पास प्रतिभा है. हमारे पास प्रतिभा है, साहस है, उद्यम है, हमारा कौशल है, दृढ़ निश्चय है. जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. और आज की इस हिस्टोरिक एफिलिएशन सेरेमनी के बाद हमारे पास वो होगा जो बहुत कम लोगों के पास होता है, और वो है साझेदारी की ताकत. वो होगा हमारे सांझे साधनों का आपस में बांटना और एक दृढ़ निश्चय कि देश सुरक्षा में हम मिलकर कदम से कदम बढ़ाएंगे. जहां कोस्ट गार्ड या तटरक्षक बल के पास संगठन से संचार तक, विज्ञान से तकनीक तक, भौतिकी तक निपुणता है प्रौद्योगिकी में, वहीं असम राइफल्स के पास कन्वेंशनल ऑपरेशंस इन डिफिकल्ट एरियाज, CICT ऑपरेशंस, डिजास्टर रिलीफ, जंगल वॉरफेयर, बॉर्डर मैनेजमेंट, इन सब में महारत हासिल है. एंड जब दोनों फोर्सेस मिलेंगी तो अवश्य ना हमें फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा. द ऑफिसर्स नो इट दैट बोथ दीज फोर्सेस नीड नर्व्स ऑफ स्टील एंड बोथ दीज फोर्सेस हैव एम्पली प्रूव्ड दैट वी डू हैव नर्व्स ऑफ स्टील. वी बोथ रेजोनेट विद आवर ओन आइडियाज ऑफ स्ट्रैटेजी, with our own ideas of junior leadership, with our own ideas of man management, with our own ideas of vision. Together, through this affiliation, we'll augment this idea further. We'll have synergy in our operations, in our thought, in our planning. We'll have resource sharing, esprit de corps, and foster relationships. It'll also facilitate us in understanding the cross-organizational view on national security. Also help us understanding. Home from far home, come and experience a homestay at Balaji Guest House, situated in a prime location within the heart of Shillong. Equipped with all modern facilities, rooms at a very affordable price, double beds for comfortable stay. We also have conference hall for small meetings like birthday, etc. Assistant staff 24/7. Taking care about your security, we are equipped with drones. We are followed by 24/7 CCTV surveillance from the complex, putting out a call away and not to take back home while you return back. We guarantee you 100% service satisfaction. Or you can contact us in reception number, that is 0364-250-426, and you can email us in balajiguesthouse123@gmail.com. सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी NPP ने गुरुवार को दोनों चुनाव में तुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष कांग्रेस को हराया और सैसला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की गिनती 7 में कराया गया था. दोनों सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए. पूर्व केंद्रीय मंत्री और NPP उम्मीदवार आगाथा के संगमा ने 63,795 वोटों के अंतर के साथ तुरा संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने 3 लाख
3,842 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा ने 2,40,070 वोट ही हासिल कर पाया। इस बीच एनपीपी के 7 सदस्य विधानसभा में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरने के लिए कांग्रेस से सिलसिला विधानसभा सीट का चुनाव लड़ा। कांग्रेस के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री क्लेमन आर माराक के निधन के बाद सिलसिला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की आवश्यकता थी। होने के बाद Previously sitting MLA from Anbaksana, Yan Pakuba, who are Singh National People's Party, Tikito, who are Takadacham, Haida Amminga Pinancham, Liba Rasongri, who are Bubulamizako, Sotako Mandaha. Dramna, Unide Dramna, Ansin Bichokani Kodakke, Haya Tusakan, Tian Sadange, Una Bichaknahai. प्रतिदिन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को देखने ना भूलिए shillongtoday.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।